नमस्कार। इस क्रिसमस, न्यू ईयर और संक्रांति के शुभ अवसर पर जीवा फर्टिलिटी आपके लिए लाए हैं 30% डिस्काउंट IVF पैकेज पर। इसके बारे में और जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे फोन कीजिए या अपने निकटतम जीवा फर्टिलिटी सेंटर पर अवश्य आइए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो IVF कराते होते हैं सबके लिए एक डोज मेडिकेशन क्यों नहीं दिया जाता? आप देखते होंगे कि आपके आसपास जो है उनको क्या कम ज़्यादा मेडिकेशन दिया जाता है और आपको एक तरह का मेडिकेशन डोज दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? IVF एक नंबर गेम है। ये ज़रूर है कि हमको ज़्यादा एग्स चाहिए होते हैं ताकि हम ज़्यादा एम्ब्रियोज बना सकें, अच्छे क्वालिटी के बनने के चांसेस ज़्यादा हों, ताकि हम जब घर में डालें आपके सक्सेस रेट जितना हाई हो सके ना रहे। लेकिन ये जान लीजिए कि सबके लिए एक डोज रखना अच्छी बात नहीं होती। आपके डॉक्टर ये बहुत चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करते हैं। एक तो आपका अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाएगा, स्कैन में देखा जाएगा आपके ओवरीज में कितने एग्स हैं, आप कितना रिस्पांस दे सकते हैं, और ये आपके हार्मोन्स के साथ कोरिलेट किया जाएगा, यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हमें बताते हैं कि आपका रिस्पांस कैसा हो सकता है। क्या आप कम डोज से अच्छा रिस्पांस देंगे या आपको हाई डोज देना पड़ेगा? कम रिजर्व वालों को थोड़ा हाई डोज देना पड़ता है, लो रिजर्व वालों को कम डोज देने से भी अच्छे नंबर ऑफ एग्स आ सकते हैं। तो ये देते क्यों नहीं है, सबको क्यों नहीं हम एक तरह के डोज देते हैं? ये जान लीजिए कि एज के मुताबिक भी रिजर्व बदलता रहता है। कम एज हो तो रिजर्व अच्छा होता है, तो कम डोज में काम हो जाता है। ज्यादा एज हो तो ज्यादा डोसेज देना पड़ता है। तीन ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसकी वजह से डोसेज का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो है कॉस्ट। ये मेडिकेशंस बहुत कॉस्टली होते हैं, इसीलिए सबको हाई डोज रखना, रिस्क ना होने पर भी हाई डोज रखना अच्छी बात नहीं होती है। जिनमें ये देखा जा सकता है कि कम डोज में काम हो सकता है, उनको कम डोज देकर उनके पैसे बचाए जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर ज्यादा डोज दें तो एक और इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जिसे ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन कहते हैं। अगर ज्यादा डोज दें और आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट हैं तो बहुत ज्यादा एग्स तैयार होने के चांसेस हैं, जिससे आपका ओवरी ज्यादा ही स्टिमुलेट हो जाए और अगर ये सिवियर हो तो जान पे भी हावी हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपके डोसेज में आप दखलंदाज ना करें, आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट सारे बातों का ख्याल रखकर ही ये डोज डिसाइड करते हैं। स्टडीज ने ये भी बताया है कि ज्यादा डोज देने पर एग्स में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, इसीलिए डोज बहुत ध्यान से दिया जाता है। एज ज्यादा हो, रिजर्व कम हो, मतलब बहुत कम एग्स हैं, तो आपका शुरुआत ही हाई डोज से किया जाता है ताकि कम से कम एटलीस्ट 3 से 5 एग्स तो बरामद हो सके, जिससे आपके एम्ब्रियोस बन सकते हैं और आपके चांस ऑफ सक्सेस ज़्यादा हो सकते हैं। ये ध्यान में रखिए कि किसी के भी प्रोटोकॉल सेम नहीं होते हैं। हर एक का बॉडी अलग होता है, हर एक का बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्स करता है इंजेक्शन को, इसीलिए कभी भी अपना IVF ट्रीटमेंट मेडिकेशन स्पेशली किसी से कंपेयर मत कीजिए, आपके एम्ब्रियोज किसी से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि सबके एग्स और स्पर्म्स में कुछ ना कुछ फर्क होता ही है। इसमें सेम प्रोटोकॉल देना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। अ लॉट ऑफ एफर्ट हैज गॉन इनटू मेकिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।